खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अगर आप भी देना चाहते हैं कोई खबर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्क। शादी का प्रपोजल लोग कई तरीके से करते हैं। इसे यादगार बनाने के लिए प्रेमी अक्सर कुछ बड़ा करने की सोचते हैं ताकि ये दिन उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनकर रहे। लेकिन कनाडा से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक ऐसा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जो शादी के प्रपोजल वाला एक बैनर लेकर उड़ रहा था। इस बैनर में विल यू मैरी मी लिखा था। इस हादसे में एक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल ये घटना कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर की है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने कहा कि यह विमान एक बैनर लेकर उड़ रहा था। विमान जब हवा में था तभी उसके इंजन में खराबी आ गई जिसके बाद वो अचानक से ज़मीन पर आ गिरा और आग की लपटों में घिर गया। हालांकि कोई बहुत बड़ा विमान नहीं था लेकिन जब ये गिर रहा था तो बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही थी और आग की लपटें भी तेज़ी से दिख रही थी। जब यह विमान गिरा तो लोग तेज़ी से इसकी तरफ दौड़े। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई जबकि पायलट बुरी तरह घायल हो गया। बताया जा रहा है कि इसमें सवार व्यक्ति बैनर लेकर किसी को शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। दुर्घटना के कारणों का पता करने के लिए दो जांचकर्ताओं को घटनास्थल पर भेजा गया। बताया गया कि विमान में दो लोग ही सवार थे जिनमें से एक की तो मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल घटना की जांच शुरू हो गई है। सब्सक्राइब करें एबी न्यूज़ इंडिया के यूट्यूब चैनल को क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल अपडेट।